पेट्रोल डीजल सहित रसोई गैस के दामों में इजाफा होने से आम आदमी की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। इसी वजह से लोगों ने कम मात्रा में पेट्रोल लेना पसंद किया है। पेट्रोल के दाम में वृद्धि होने से लोगों के बजट पर असर पड़ रहा है। लोगों का मानना है कि पेट्रोल के दामों में वृद्धि से रोजमर्रा की जिंदगी पर फर्क पड़ रहा है, क्योंकि अब वाहन चलाते हुए जरूरी काम ही निपटाने की बात दिमाग में रहती है और पेट्रोल बचाने का प्रयास किया जाता है। जब भी पेट्रोल या डीजल के दाम बढ़ते हैं तब अन्य चीजों के भी रेट बढ़ जाते हैं। ऐसा इस बार भी हो रहा है और बाजार में सभी चीजों के दामों में वृद्धि साफ नजर आ रही है। लोगों की मांग है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आना चाहिए जिससे आम जनता को राहत मिल सके। क्या दिक्कत हो रही है खर्च में, पॉकेट मनी में? क्या पैसे रहते नहीं है, कहीं जाना है, पेट्रोल कम रहता है, जा नहीं पाते कहीं पर। जब पेट्रोल लेना तो कहता ही नहीं है पैसे। कितना पेट्रोल बड़ा दो तीन महीने 70 का 100 हो जाएगा। पेट्रोल का से तो सारे बजट बिगड़ रहे हैं। पेट्रोल से जो पहले अभी थोड़े दिन पहले 94-95 रुपये था, आज तो 104 रुपये हो चुका है। पेट्रोल प्रतिदिन बढ़ रहा है, इससे रोज़मर्रा के कामों में भी असर पड़ता है और घर के बजट में भी असर पड़ता है। पेट्रोल ही नहीं, डीजल भी बढ़ रहा है। साथ में डीजल के बढ़ने से मालवाहक जो वाहन है उनका किराया भी बढ़ता है, उससे महंगाई भी बढ़ती है। तो सारी प्रोपोर्शनेट है सारी चीज़ें एक दूसरे को लेकर। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं भाई? इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए उनको। पेट्रोल को एकदम ऐसे बोल के नहीं छोड़ सकते कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों पर, तब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों पर बैरल के रेट कम होते तो उस प्रोपोर्शनेट में तो रेट कम होते नहीं है ना। बढ़ते तो आप बढ़ा देते, लेकिन जब कम करना रहते तब तो कम करना पड़ेगा ना।